सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक है, यदि आप नाम जप करते हो तो अभी इसी समय से, आज से ही ये काम शुरू कर दें तो आप बहुत जल्द नाम जप को सिद्ध कर पाएंगे। देखिए, जैसा भी साधक जानते हैं वो नाम जप तो करते ही हैं, लेकिन जो हम आपको बात बताएंगे शायद ये सभी नहीं जानते और इसीलिए उनका नाम जप सिद्ध नहीं होता है। एक जगह बैठ करके आप नाम जप जो कर रहे हो वो देखो स्थूल साधना होती है, करना तो आपको पड़ेगा एक जगह बैठ कर भी। उसको बोलते हैं योग का अभ्यास आप कर रहे हो, योगा अभ्यास काल उसको बोला जाता है। और आप योगी हो, योगी कोई भी हो सकता है, ये नहीं है कि जो जंगलों में रहता है, वनों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है वही योगी है। जो योग कर रहा है, जिसने साधन अपनाया हुआ है वही योगी है। तो आपने भी साधन अपनाया हुआ है, आप भी योग कर रहे हो, आप योगी हो और योग का अभ्यास आप कर रहे हो, तो उस समय को कहा जाता है कि योगा अभ्यास, जिस भी समय पर आप कर रहे हो। तो आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये सात्विक समय होता है, ये परमात्मा का समय होता है। और यदि आपके पास ब्रह्म मुहूर्त में करने का समय नहीं है, उठ नहीं पा रहे, तो जब भी आपके पास समय है आप जब भी कर सकते हैं उसको, उसी समय कर सकते हो। तो धीरे धीरे करेंगे तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी फिर जागने लग जाएंगे। तो स्थूल साधना आपको एक जगह बैठकर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कार्य पहले सावधानी से किया जाता है, स्थिर होकर के किया जाता है, और बाद में तो आप जो डुलते हुए भी, चलते फिरते भी उस काम को करने लग जाते हो। तो हमारे संतों ने कहा है कि योगा अभ्यास काल में चलते फिरते, सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जप करना चाहिए। इससे जप सिद्धि, योग सिद्धि बहुत ही शीघ्र आपको प्राप्त होती है। मनुष्य और पशु पक्षियों के शरीर में श्वास प्रश्वास की गति है, उसी से प्राण चलते हैं। वह हंग करके श्वास बाहर निकालता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। इस तरह हंसो हंसो शब्द के बार बार फेरते रहने से उलट कर सोहंग सोहंग हो जाता है, इसको योगी ही जानते हैं। यही अजपा नाम की गायत्री है, इसका बिना जप किए ही अपने आप जप होता है। सर्वप्रथम महादेव जी ने पार्वती जी के प्रति सभी सिद्धियों को देने वाली इस अजपा गायत्री का उपदेश किया था। इस अजपा गायत्री का नित्य चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते, योगा अभ्यास काल के दौरान यदि आप ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, तो आपके जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि लगने से घास के ढेर जलकर राख बन जाते हैं, वैसे ही नाम जप से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। जब अजपा का बहुत अभ्यास बढ़ जाता है तो मन अंदर ही लीन हो जाता है, मन के लीन होने पर प्राण की गति भी क्षीण हो जाती है, तभी योग निद्रा पैदा होती है और तभी आपका ये जो नाम जप आप कर रहे हो ये सिद्ध हो जाता है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नाम जप में तभी सिद्धि प्राप्त होगी जब मन और श्वास एक हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो कोई बता नहीं सकता, वो दूध ही हो जाता है पानी। तो ऐसे ही मन जब श्वास के साथ एक हो जाएगा तो आप सिद्ध हो जाओगे, सिद्ध बहुत जल्द आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कोई इच्छा आपकी रहेगी ही नहीं, आपका मन निर्विचार हो जाएगा।
तो आप यदि बैठकर अभ्यास कर रहे हैं वो तो करें ही करें, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय भी अपनी श्वासों का ध्यान करना शुरू करें। श्वास का ध्यान करेंगे तो आप डायरेक्ट राम से जुड़ जाते हो। और यदि आपको श्वास का ध्यान नहीं करना आता है, किस तरह से करते हैं, किस तरह भगवान से जुड़ते हैं, तो आप ही के लिए प्रतिदिन परमात्मा की असीम कृपा से हर रोज ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला में 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आके निःशुल्क में 6 महीने से ये साधना सिखाई जा रही है। तो आप वहां जुड़ें और औरों को भी जोड़ें और परम सेवा का अवसर प्राप्त करें। और यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो लाइव में भी आप पूछ सकते हो, हर प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। यूट्यूब पर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज पर पूछ सकते हो, 9958515054 पर पूछ सकते हो। अपनी स्वेच्छा से आप नंबर मांगते हो, हमें सेवा करनी है, सेवा का नंबर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन आपका भाव है, तो आप अपनी सेवा 9643745467 पर दे सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।